प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान अरण्या की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था कक्षा 12 का छठवा अध्याय था अपना अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम यूएनओ के बारे में पढ़ रहे थे। उसका हम पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व के पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो 27 सदस्य राष्ट्र हैं तो उसमें भारत के क्या तर्क हैं। उसमें हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि यूएनओ की सदस्य संख्या 65 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है, वर्तमान में 15 है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और भारत किस आधार पर यूएनओ की 27 सदस्यता प्राप्त करना चाहता है कि वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो बजट भी देता है, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वो आर्थिक शक्ति महाशक्ति बनकर उभरा है, उसके पास एक सैन्य पावर भी है। ये तो पक्ष में हो गया। विपक्ष में हमने पढ़ा था कि भारत के 27 सदस्य न बन पाने के कारण क्या है, कि जो एशिया महाद्वीप में अन्य महाद्वीप में जो देश हैं भारत की 27 सदस्यता का विरोध करते हैं, अगर उनको भारत को सदस्यता मिलती है तो उसमें ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप, उनको भी सदस्यता दी जाएगी क्योंकि वो भी एक बड़े देशों में शामिल है। कुछ लोगों का या कुछ देशों का ये मानना है कि अगर भारत को वीटो पावर दिया जाता है तो भारत पाक के मध्य जो कटु संबंध पहले से ही है वो और भी अधिक बढ़ जाएंगे। इस आधार पर भारत का कोई 27 सदस्यता मिलना वर्तमान में काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अब हम हेडिंग डालेंगे एक ध्रुवीय विश्व में एक ध्रुवीय विश्व में क्योंकि बात वर्तमान में विश्व में कितने ध्रुव हैं, एक, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी 1945 में जब 24 अक्टूबर के दिन इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की, उस समय दुनिया में दो महाशक्तियाँ थी, रूस और सोवियत संघ और अमेरिका। लेकिन वर्तमान में 1991 में जब विघटन के बाद इसकी स्थिति बदल चुकी है, तो पहले जो शीत युद्ध चल रहा था तो उस शीत युद्ध को वास्तविक युद्ध में न बदलने दिया जाए, क्योंकि शीत युद्ध एक वाक या वाणी से लड़ा जाने वाला युद्ध था, तो इसको कैसे रोका जाए तो इसकी भूमिका अलग थी। लेकिन अब वर्तमान में विश्व में एक ध्रुवीय हो चुका है तो अब यूएनओ की जो प्रक्रिया है, जो इसकी भूमिका है, इसका जो रोल है वो क्या है, बदल चुका है। तो इसमें हम लिखेंगे यूएनओ के ढांचे एवं ढांचा यानी स्ट्रक्चर, जिसमें हमने उसकी बनावट पढ़ी, जिसमें 6 अंग होते हैं, महत्वपूर्ण अंग कौन सा था, सिक्योरिटी काउंसिल था, महासभा जिसको आम सभा भी कहते हैं, जिसे दुनिया की संसद भी कहते हैं, एवं प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों को यह आशा या उम्मीद बनी है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय शक्ति अमेरिका पर अंकुश लगा सकेगा। 1991 की बात करें, 1991 से पहले तो दो ध्रुव में था, तथा या एवं संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी मनमानी को रोक पाएगा अर्थात अंकुश
लगा पाएगा। ऐसा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखो 1991 में दो ध्रुव थे, एक ध्रुव होने के बाद दुनिया को ऐसा लग रहा था कि जो यूएनओ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो अमेरिका की मनमर्जी पर या अमेरिका पर अंकुश लगा पाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अब इसका रीज़न पढ़ेंगे, इसका कारण पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया है। तो ये अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे हम। नंबर एक, इसका पहला कारण है अमेरिका विश्व की या दुनिया की एकमात्र महाशक्ति होने के कारण, एकमात्र महाशक्ति होने के कारण यह अपनी सैन्य शक्ति एवं आर्थिक शक्ति के बल पर या ताकत पर संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी कर सकता है या मनमर्जी कर सकता है या नज़रअंदाज कर सकता है। तो 1991 के बाद दुनिया को ऐसा लग रहा था कि इसकी जो महाशक्ति है ये पर अंकुश लग सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका कारण क्या, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि एक तो ये अमेरिका क्या है, पावरफुल राष्ट्र यानी सैन्य शक्ति इसकी विश्व में काफ़ी सुदृढ़ है, दूसरी आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ये शामिल है। तो जिनके पास सेना है या धन है, ताकत है, तो हम समाज में भी देखते हैं जिनके पास आर्थिक बल होता है उनके समर्थक हज़ारों लोग होते हैं, इस उदाहरण से हम समझ। उसी प्रकार अमेरिका के पास सैन्य ताकत है तो कोई भी कमज़ोर राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि 1993 में 193 देश हैं तो वो मिलकर तो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इनके पास इतनी बड़ी सैन्य शक्ति है कि कोई अकेला राष्ट्र या कई राष्ट्र मिलकर भी, अब कोई मान लो किसी कारण से या कूटनीति के कारण एक दूसरे से दबे हुए हैं या आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, इसलिए वो अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा, या उनके पास इतने बड़े हथियार नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे ही राष्ट्र हैं जिनके पास ज़्यादा शक्ति सैन्य शक्ति है, बाकी छोटे छोटे देश हैं तो उनके पास अमेरिका के मुकाबले बहुत ही कम सैन्य शक्ति है। तो अमेरिका अपनी सेना के बल पर और धन के बल पर या आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी कर सकता है या अवहेलना कर सकता है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग होकर भी क्या कर सकता है, वो अपनी मनमर्जी कर सकता है। इस कारण से जो यूएनओ है उस पर लगाम या अंकुश नहीं लगा पाया। दूसरा पढ़ेंगे हम, दूसरा रीज़न क्या है कि यूएनओ उस पर अंकुश नहीं लगा पाया है। तो दूसरा रीज़न है अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी सबसे अधिक योगदान करते हैं, सबसे अधिक योगदान करता है। यानी दुनिया में जो 193 देश इसमें शामिल हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो धन है वो कौन देता है, अमेरिका देता है। तो अगर वो उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगा या उसको दबाने की कोशिश करेगा तो वो उसके बजट को रोक लेगा, जिससे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। तीसरा है अमेरिका के पास वीटो पावर है या निषेधाधिकार, वीटो पावर है या पावर की
वीटो पावर की शक्ति है, क्योंकि जो पांच स्थायी देश हैं उसमें ये भी शामिल है, तो ये एक ताकतवर मुल्क है और स्थायी देशों में शामिल है, इसलिए उसको हटाना आसान नहीं होगा। चौथा रीजन है कि अमेरिका की यूएनओ के महासचिव के चयन में भी मुख्य भूमिका है। यूएनओ के महासचिव के चयन में भी मुख्य भूमिका है, यानी जो यूएनओ का के जो महासचिव का जो सचिवालय जो एक प्रशासनिक जो मुखिया या प्रधान है, तो उसमें यूएनओ के महासचिव के जो चुनाव होता है उसमें भी महत्वपूर्ण रोल किसका रहता है, अमेरिका का रहता है। इस कारण उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो महासचिव उसका चयन अमेरिका के दम पर होता है, उसका मेन रोल है, तो इस कारण से उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता, यानी यूएनओ में उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी हैं। पाँच पे पढ़ेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के ही भूक्षेत्र में या जमीन में स्थित है, भूक्षेत्र में स्थित है। हमने कल पढ़ा था कि यूएनओ का जो प्रधान मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। तो यूएनओ का जो मेन जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है, अमेरिका में ही है। इस कारण से उनको हटाना आसान नहीं है। जैसे हमने वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ा था जिसमें 15 जज होते हैं और 9 साल के या 9 वर्ष के लिए उनका चुनाव किया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय वो कहाँ है, नीदरलैंड के हेग शहर में। तो कुछ जो अंग है वो दूसरे देशों में भी हैं, लेकिन हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस कहाँ है, अमेरिका में ही है, इसलिए उसको उठाना आसान नहीं है। तथा इसी में लिखेंगे या एवं यूएनओ के कई नौकरशाह है, यानी ब्यूरोक्रेट्स, कई नौकरशाह है, इसके नागरिक हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। छठवां पढ़ेंगे अमेरिका अपनी सैन्य एवं आर्थिक शक्ति, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, शुरू में पढ़ा था, आर्थिक शक्ति के बल पर विश्व बिरादरी में फूट डाल सकता है, यानी सेना के बल पर वो दबा सकता है, या आर्थिक, यानी उसको कर्ज देकर वो अपने पक्ष में कर सकता है, या उसको आर्थिक सहायता या अनुदान देकर वो किसी दुनिया के किसी भी देश को अपने समर्थन में या फेवर में कर सकते हैं, जिससे एक ही महाद्वीप में कई देश एक दूसरे के विपरीत खड़े हो सकते हैं, या यूएनओ में शामिल जो देश हैं वो उनको एक मत नहीं होने दिया, अगर मान लो उनमें 20-25 या 50 देश अमेरिका का समर्थन करते हैं तो वो आपस में ही वो लड़ने लग जाएंगे, तो वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से अमेरिका पर अंकुश, एक दुर्व्यवस्थ में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका पर आसानी से अंकुश नहीं लगा सकता। इस प्रकार अंत में इसका सारांश लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि यूएनओ अमेरिका की मनमानी पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है।
लगाने में सक्षम नहीं है। तो इन उपरोक्त कारणों से पता चलता है कि अमेरिका की स्थिति एक ध्रुवीय होने के बाद भी काफ़ी सुदृढ़ है और उपरोक्त कारणों से उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत शक्तिशाली है और दुनिया की सैन्य शक्ति में उसका नाम है, जिसके आधार पर वो किसी भी राष्ट्र को अपने फेवर में कर सकता है या उसको दबा सकता है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वो भी कहाँ है, अमरीका में ही है, उसी देश में, ये भी उसके पक्ष को मजबूत करता है। और यूएनओ के कई जो नौकरशाह हैं जो कार्य करने वाले हैं वो कहाँ हैं, अमरीका के ही नागरिक हैं। और जो यूएनओ का जो महासचिव होता है सचिवालय में, उसमें भी अमेरिका का महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो वीटो पावर निषेध अधिकार भी अमेरिका को प्राप्त है, यानी वो स्थायी सदस्यों में शामिल है, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। इससे भी उसका पक्ष और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो जाता है। इसलिए हमने पूर्व में पढ़ा था कि जो हमने इराक के युद्ध के बारे में पढ़ा कि 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, और उस समय उसने अमरीका इसकी यूएनओ की राय भी नहीं ली थी। तो इसका यही कारण था कि विश्व पटल पर अमरीका की आज भी दाग है। तो हमने एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के बारे में पढ़ा। अगला पढ़ेंगे हम एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की प्रासंगिकता ये तो पढ़ा था हमने। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी राष्ट्र संघ उसके पर अंकुश लगाने में क्यों नाकामयाब रहा, इसके बारे में हमने पढ़ा कि एक ध्रुवीय 1991 के बाद सोवियत संघ का पतन होने के बाद भी जो यूएनओ है वो अमेरिका की मनमर्जी पर अंकुश नहीं लगा पाया। इसके उदाहरण हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसने 2003 में इराक पर भी हमला कर दिया था, जिसमें इसने यूएनओ की कोई अनुमति नहीं ली थी। तो प्रासंगिकता पढ़ रहे हैं हम, इसमें लिखेंगे हालांकि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका पर नियंत्रण नहीं लगा सका या अंकुश नहीं लगा सका नियंत्रण नहीं लगा सका या उसकी मनमर्जी को नहीं रोक सका, परंतु कुछ बातों में अमेरिका की अभी भी प्रासंगिकता विद्यमान है यानी मौजूद है, जो इस प्रकार है या निम्न प्रकार से है, जो इस प्रकार से है। नंबर एक, इसको कलर्ड कर लेते हैं। नंबर एक, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका एवं शेष विश्व के बीच विभिन्न विषयों पर या मैटर पर बातचीत कायम कर सकता है। यानी हालांकि उसके अंकुश को नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसकी प्रासंगिकता यानी उसका महत्व कम नहीं है अमेरिका का विश्व पटल पर। ये अमेरिका सैन्य शक्ति में अर्थव्यवस्था में इतना सुदृढ़ राष्ट्र है कि मान लो किसी दो देशों के बीच पर किसी विषय पर अनबन हो गई
ये युद्ध की आशंका बन रही है, तो अकेला जो अमेरिका है वो मध्यस्थता करके उसे उसमें युद्ध होने से उसको बचा सकता है या बातचीत का रास्ता निकाल सकता है, उसका इतना प्रभाव है। दूसरा लिखेंगे अमेरिकी नेता कई बार यूएनओ की आलोचना करते हैं, कई बार यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, यानी उसमें दोष निकालते हैं, उसमें कमी ढूंढते हैं, आलोचना करते हैं यानी उसके खिलाफ या उसके विपक्ष में बयान देते हैं, लेकिन वे इस बात को भी जानते हैं कि यूएनओ चाहे तो झगड़ों एवं सामाजिक आर्थिक विकास के विषय पर 193 देशों या यूएनओ में कुल सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है 193, जिसमें अंतिम कौन सा था, दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का, तो जो 193 तो अमेरिका को पता है कि जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कुल जो सदस्य राष्ट्र 193 की संयुक्त बैठक 193 देशों की संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुला सकता है अथवा सभी राष्ट्रों को एक साथ कर सकता है। ये अमेरिका के खिलाफ भी वो कर सकता है या अकेला सभी राष्ट्रों को एक कर सकता है। शेष विश्व के लिए नंबर 3 पे पढ़ेंगे, शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ही अमेरिका के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा फोरम है जहां अमेरिकी रवैये एवं नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। अब देखो उसकी प्रासंगिकता है, अगर अमेरिका अपनी मनमर्जी करता है तो यूएनओ क्या कर सकता है, अपने सदस्य राष्ट्रों का अधिवेशन बुला सकता है, उसकी आपातकालीन कोई भी मीटिंग बुला सकते हैं जिससे अमेरिका पर दबाव बनाया जा सकते हैं। तो एकमात्र दुनिया में ऐसा मंच यूएनओ ही है, सबसे बड़ा मंच जिसके माध्यम से अमेरिका की मनमर्जी को रोका जा सकता है, उसके रवैये पर अंकुश लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व बढ़ता जाएगा इस प्रकार, आगे लिखेंगे नंबर 4 पे अंकुश लगा सकता है, इस प्रकार यूएनओ का या संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व में महत्व बढ़ता जाएगा
का महत्व बढ़ता जाएगा क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे विश्व में पारस्परिक यानी आपसी या आपस में निर्भरता बढ़ेगी। यह है संयुक्त राष्ट्र संघ, यस, इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ की प्रासंगिकता। तो इसमें हमने अमेरिका के बारे में भी पढ़ा कि अमेरिका पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा सकता या ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें अमेरिका की मनमर्जी को यूएनओ नहीं रोक सका है, उसके बावजूद भी कौन से मैटर ऐसे हैं, कौन से विषय ऐसे हैं जिस पर उसकी प्रासंगिकता यानी महत्व है, ये हमने इस टॉपिक में क्लियर कर लिया है। इसमें हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हमने जो एजेंसियाँ पढ़ी थी यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें एक थी WHO, हमने पढ़ा था विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसी तरह का एक संगठन है, ये एक एजेंसी है यूएनओ की, उसका नाम है WTO, विश्व व्यापार संगठन। तो ये WTO क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो अगली हेडिंग डालेंगे हम WTO, तो लिखें WTO, इसके फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है अंग्रेजी में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में विश्व व्यापार संगठन, हिंदी में क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। तो W का हो गया वर्ल्ड, T का ट्रेड यानी व्यापार, O का ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व का हो गया वर्ल्ड का हो गया विश्व, ट्रेड का मतलब व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। तो WTO का पूरा नाम बताइए, तो आप बताएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लिख सकते हैं हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ का, एक एजेंसी अंग नहीं, अंग तो हमने छह पढ़े थे, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है, संगठन है यह वैश्विक यानी वैश्विक व्यापार के, जब नाम ही है व्यापार, ट्रेड यानी व्यापार, तो व्यापार से संबंधित है, एच लगता है तो क्या हो जाएगा हेल्थ, वो अलग है, स्वास्थ्य संगठन, ये ट्रेड यानी व्यापार, तो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है व्यापार के यानी आयात और निर्यात के या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के, उनसे संबंधित जो नियम है उनको ये तय करता है, यानी ये व्यापार वैश्वीकरण में उदारीकरण, आपने नाम सुना होगा कि आयात और निर्यात पर जो कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, या आयात और जो निर्यात होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उन पर जो कड़े प्रतिबंध है जिससे व्यापार में रुकावट आती है उसको ये बहाल करता है या उसको सरलीकरण करता है, क्या करता है, सरलीकरण करता है। तो यह है वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है, क्या करते हैं, तय करता है। इसकी स्थापना दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे, 1 जनवरी 1995 में हुई थी
तो देखो इसमें छोटा प्रश्न WTO के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको पूरा पैरोग्राफ लिखना है कि केवल इतना ही पूछे कि WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, तो छोटा प्रश्न इसको रेखांकित कर लेंगे। WTO की स्थापना कब हुई, 1995 को। तो नाम ये ट्रेड यानी व्यापार, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, किसी देश का नहीं, जैसे UNO है, इंटरनेशनल संस्था है, उसी प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये वैश्विक स्तर पर या विश्व स्तर पर व्यापार के नियमों को तय करता है। आयात और निर्यात के जो नियम है वो कौन तय करता है, WTO, WHO का मतलब हेल्थ होता है, वो अलग है, ये WTO है, ट्रेड यानी व्यापार। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो इसमें छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है तिलगुरात्मक में, WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को, फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन आगे लिखेंगे इसमें, यह संगठन जनरल एग्रीमेंट, जनरल यानी सामान्य, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ट्रेड एंड टेरिफ के उत्तराधिकारी, टेरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, काम करता है। एग्रीमेंट यानी समझौता, ट्रेड यानी व्यापार। तो ये जनरल सामान्य समझौते के ऊपर ही काम करता है, यानी एक तरह से मध्यस्थता करते हैं। यह संगठन विभिन्न देशों के बीच में जो आयात निर्यात के नियम तय करता है इंटरनेशनल स्तर पर, उससे क्या होता है कि दो देशों के बीच जो सीमा शुल्क हैं और भी जो आयात निर्यात में जो बाधाएँ हैं उनको क्या करते हैं, सरलीकरण करता है, यानी ये एग्रीमेंट यानी समझौता। तो जन सामान्य जो व्यापार के जो नियम हैं उसके बीच में ये मध्यस्थता करने वाला है, एक तरह से उत्तराधिकारी है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1945 में, और WTO की स्थापना कब हुई, 1995 में। तो ये 1900 वर्ल्ड वार के बाद में शुरू हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। आगे लिखेंगे, 2012 के अनुसार की रिपोर्ट के अनुसार इनके सदस्य संख्या कितनी है, 157। 2012 के आंकड़े दिए गए इसमें, सितंबर 1912 या तारीख भी लिख सकते हैं, 1 सितंबर 2012 की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार इनके सदस्यों की संख्या, इनके WTO, इनके सदस्यों की संख्या 157 है। कितनी है, 157 है। तो WTO व्यापार से संबंधित नियमों को तय करता है, और ये व्यापार से संबंधित जो दर सूची है उनको तय करता है, सूची यानी लिस्ट। अब 1 सितंबर 2012 की रिपोर्ट के अनुसार WTO में सदस्यों की संख्या कितनी है, 157 है। आगे चलते हैं हम, इसमें WTO में इसमें फैसला, जो भी फैसला होता है, फैसला या निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से लिया जाता है, सहमति से किया जाता है या लिया जाता है, सहमति से किया जाता है। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ, पिछले पाठों में हमने पढ़ा भी था, यूरोप महाद्वीप के राष्ट्रों का संघ जिसमें यूरो चलता है, एवं जापान जो एशिया महाद्वीप का देश है, जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां
आर्थिक शक्तियाँ डब्ल्यू टी ओ में यानी विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को अपने पक्ष में बनाने में कामयाब हो गई हैं। कामयाब हो गई हैं कि ये तो जैसे यूएनओ एक इंटरनेशनल संस्था है, उसमें सभी राष्ट्रों की बातें सुनी जाती हैं, कि फिर भी हमने देखा कि सैन्य बल पर या आर्थिक बल पर जो अमेरिका है वो यूएनओ में भी काफ़ी प्रभाव रखता है। वो कई बार यूएनओ के नियमों को फॉलो नहीं करता, पावरफुल देश होने के कारण। उसके कई रीज़न हमने पढ़े थे कि यूएनओ का मुख्यालय भी कहाँ था, अमेरिका न्यूयॉर्क में है। तो उसी प्रकार जो डब्ल्यूटीए इंटरनेशनल संस्था है व्यापार की, व्यापार से संबंधित नियम बनाती है, लेकिन जो शक्तिशाली देश हैं इसमें भी उन्हीं का दबदबा है। जिसमें इसमें उदाहरण अमेरिका है, यूरोपीय संघ और जापान जैसा चीन भी है। तो जो भी बड़ी महाशक्ति हैं यह क्या करती है, व्यापार के नियमों को इस प्रकार से तय करती हैं कि अधिक से अधिक लाभ जो विकसित देश हैं उनको ही मिलें, और जो विकसित विकासशील देश हैं दुनिया में उनको फ़ायदा कम पहुँचे। इसलिए इनके जो संगठन है ये कोई ज़्यादा पारदर्शी नहीं है, और ये जो विकासशील देश हैं इनको इनसे शिकायत रहती है। तो ये कामयाब हो गई, अपने पक्ष में बनाने में कामयाब हो गई है, जिस कारण व्यापार में अधिक या ज़्यादा लाभ इन विकसित राष्ट्रों को ही होता है, विकसित राष्ट्रों को ही होता है, जिसकी शिकायतें शुरू से स्टार्ट करेंगे, जिसकी शिकायतें प्राय या अक्सर विकासशील देशों को होती है, शिकायत विकासशील देशों को होती है, देशों को होती है। तो ये हमने पढ़ा डब्ल्यूटीओ के बारे में, उस भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 को, इसमें कुल सदस्य राष्ट्र 1 सितंबर 2012 की रिपोर्ट किया जा 12 के अनुसार 157 हैं। और इसमें भी हम देखते हैं इसमें भी कोई विशेष पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि जो विश्व की जो महाशक्तियाँ हैं उन्हीं का दबदबा भी इसमें आज भी है। तो ये भी यूएनओ की तरह जहाँ जो विकसित देशों की चलत है उसी प्रकार इसमें भी जो विकसित देश हैं उनका ही उनको ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती। अभी हमने डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा, जो व्यापार ट्रेड यानी व्यापार, याद रखेंगे व्यापार से संबंधित नियम तय करने वाली इंटरनेशनल संस्था है। इसी तरह का एक इंटरनेशनल एक संस्था है, एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो अगली हेडिंग डालेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय आणविक जो अणुशक्ति अणु परमाणु आणविक ऊर्जा एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एनर्जी यानी ऊर्जा एजेंसी, शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, IAEA। जैसे डब्ल्यू टी ओ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है उसी प्रकार पूछा जा सकते हैं
IAEA का फुल फॉर्म बताइए, तो आई का इंटरनेशनल, ए का एटॉमिक यानी आणविक, ई का एनर्जी यानी ऊर्जा, और ए का मतलब एजेंसी। तो इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दो तीन बार उसको उच्चारण करेंगे, या हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, एटॉमिक यानी आणविक, एनर्जी यानी ऊर्जा, और एजेंसी मतलब एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA एक इंटरनेशनल संस्था है। यह क्या करती है कि विश्व में जो परमाणु संपन्न देश हैं जिसके पास परमाणु बम हैं, तो उनको उपयोग वो निर्माणात्मक कार्यों में करें, विध्वंसात्मक कार्यों में न करें, और इस आणविक ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग में बढ़ावा दें, और सैनिक उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की वकालत करता है। कि सैनिक उद्देश्य मतलब युद्ध में इसको काम में ले, सेना में इसको शामिल करें, तो मतलब युद्ध में इसको काम में न, इसको सकारात्मक रूप में इसको काम में ले, किसको, जो आणविक ऊर्जा है उसको अच्छे कार्यों में उसको इन्वेस्ट करें, उसको किसी युद्ध के पर्पज से अपने पास न रखें। तो इस संगठन की स्थापना फुल फॉर्म हमने पढ़ लिया, जैसे WTO की स्थापना हुई थी उसी प्रकार इसमें लिखेंगे हम इस संगठन की स्थापना कौन सा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई। WTO कब हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की, 1 जनवरी 1995 को। तो इनकी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की शुरुआत 1957 को हुई थी, यह संगठन आणविक ऊर्जा, आप देखो यह संगठन कौन सा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय, किसी देश का नहीं है, पूरे विश्व का एक संगठन है। यह संगठन परमाणिक या आणविक ऊर्जा, परमाणु या आणविक ऊर्जा के या एनर्जी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, ऊर्जा के शांतिपूर्ण यानी रचनात्मक कार्य में उसको काम में लें, शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने एवं सैन्य यानी सेना या सैनिक उद्देश्यों में इसके उपयोग को, किसके, जो अणु, जो परमाणु अस्त्र शस्त्र हैं उसके उपयोग को रोकने की कोशिश करते हैं, उपयोग को रोकने की कोशिश करता है। तो देखो जो अणुशक्ति है, आणविक ऊर्जा है, उसको सकारात्मक रूप में लिए जाने की ज़रूरत है, ऐसा ये कहते हैं, यानी उसको सैन्य शक्ति या अपने हथियार के रूप में उसको इस्तेमाल न करें, तो इसको रोकने पर यह बल देता है। इस संगठन के अधिकारी आगे लिखेंगे कौन सा संगठन है, IAEA। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं, जांच करते हैं ताकि नागरिक इसको मिटा देते हैं, ताकि जो आम नागरिक है परमाणु संयंत्रों का
परमाणु संयंत्रों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न करें। संयंत्रों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न करें। उपयोग सैन्य या सैनिक उद्देश्यों के लिए न करें, अर्थात युद्ध में इसको इस्तेमाल न करके इसको सकारात्मक यानी ऊर्जा के रूप में उसको काम में लें, या अपने जो देश के विकास में यानी सृजनात्मक रूप में ही इसको काम में लें। तो ये था आणविक ऊर्जा से संबंधित जो सकारात्मकता की ओर पहल करने की वकालत करता है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो इस अध्याय इस पाठ में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पाठ को अपने अध्याय 6 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।